नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है सबसे पहले दिल से श्रद्धांजलि बापुन श्रद्धाली इंच हमारे पांच वीर जवानों को जिनमें से हवलदार मनदीप सिंह जी लास नाइक देवशीष बसवाल लास नाइक कुलवंत सिंह सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही सेवक सिंह जो में की कायर हरकत का शिकार हुए हमारे पांच वीर जवान वीर को प्राप्त हुए हैं सबसे पहले इन्हें दिल से हम श्रद्धांजलि देते हैं और सल्यूट करते हैं और इस पर बड़ा सवाल शायद ये सवाल हमारा कईयों को कड़वा भी लगे आपत्ति भी हो पर आप जानते हैं दैनिक शिव टाइम कभी सच बोलने से पीछे नहीं हटता बात करें अमृतपाल की तो जिस तरह से पंजाब के हालात हुए जो गलत करेगा उसे कानून के दायरे में लाना भी ज़रूरी है जो देश विरोधी गतिविधियां करेगा एजेंसीज़ हैं पुलिस है और बड़ी बड़ी एजेंसी बैठी हुई है इस चीज़ को यानी के पुख्ता करने के लिए पर सवाल बड़ा ये है कि जब अमृतपाल की बात हुई तो किस तरह से पूरे सिख समुदाय को भरपार यानी कि उन्हें सोशल मीडिया पर किस तरह से ट्रॉल किया गया ये कहा गया कि खालिस्तानी है जो भी कोई बात करता तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है क्या हमारा धर्म क्या हमारे देश की सभ्यता ये हमें सिखाती है ये देखिए इस इस तस्वीर को देखिए दिल दहल जाता किस तरह से हमारे पांच जवान शहीद हुए किस तरह से आपने देखा कि उस गाड़ी में जब आतंकियों ने अपनी कायर हरकत को अंजाम दिया तो किस तरह से वीर गति को प्राप्त हुए और इनमें जैसे चार जवान जो है ये पंजाब के रहने वाले हैं और सिख समुदाय से तल्लुक़ रखते हैं ये बड़ा सवाल है फिर से आपने कैमरामैन को कहेंगे ये चार जो जवान हैं ये सिख समुदाय थे जिस सिख समुदाय को आप कहते हैं कि खालिस्तानी हैं यानी गलती कोई करेगा आप उसे बोलिए ना पूरे समुदाय को पूरी कम्युनिटी को क्यों सवाल उठाते हैं यह बड़ा सवाल है चाहे वो कोई भी हो हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते पर वो बात ज़रूर करेंगे कि सोच समझ कर बात करनी चाहिए कल को ये ना अपने ही शब्दों पर हमें पछताना पड़े हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं तो इसीलिए किसी एक ही वजह से हम पूरी समुदाय को या कम्युनिटी पर उंगली नहीं उठा सकते तो ये वीर जवान हम कहेंगे ये चार वीर जवान जो पंजाब के रहने वाले थे एक बाहर के अलग थे वो अलग राज्य के रहने वाले थे पर सवाल बढ़ाइए जिस कम्युनिटी पर आपने सवाल उठाए थे जिस किसी ने भी उठाए थे लगातार उन्हें ये कहा था खालिस्तानी है तो लोगों को कितना रोष था उन्होंने क्या उन्होंने कहा कि हमें क्या सर्टिफिकेट देना होगा कि हम वाकई हिंदुस्तानी हैं हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और हम गर्व करते हैं और उन्होंने ये भी कहा सिंह सिख समुदाय की तरफ से जो लोग भी जिनकी जितनी भी संगतें थी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर कहा कि अगर वाकई किसी ने गलत किया है भले ही वो सिख समुदाय से उसे कानून के दायरे में लाया जाए कानूनी तौर पर शिकंजा कसा जाए पर उसके चलते आप पूरे सिख समाज को खालिस्तानी बुलाना बुलाना नहीं बुला नहीं सकते यह बड़ा सवाल था आज ये वीडियो करने का हमारा यही मतलब है कि जो भी जो देश में रहता है चाहे वो हिंदू हो वो सिख हो मुस्लिम ईसाई हो किसी भी धर्म से है हर कोई अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा रखता है और अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा भी रखता है तो किसी के किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जो दोस्तानी है वो देश से सच में प्यार करता है वो कोई भी हो और देखिए ये उसकी मिसाल है कि किस तरह से हमारे सिख भाइयों की शहादत हुई चाहे वो मुस्लिम भाई भी शहादत उनकी भी होती है हिंदू के भाई उनकी भी शहादत होती है जो देश पे मर मिटते हैं तो हमें गर्व है ऐसे लोगों पर तो इसीलिए लिए सोच समझ के बोलना चाहिए आज जिन लोगों की शहादत हुई है फिर से कहेंगे वो सिख समुदाय से तल्लुक रखते थे तो ऐसी चीज़ें मत करिए जिसे बाद में पछताना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े हमारा देश गुलदस्ते की तरह है और चाहे हर धर्म के लोग उस गुलदस्ते में सजे फूलों की तरह रहते हैं और महकते हैं और जो देश की खूबसूरती है तो इसे खराब मत कीजिए अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए जुड़े रहें हमारे अगले अपडेट के लिए जय जवाहर